पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का फाइनल ड्राफ्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को दे दिया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन एन मित्तल साहब, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। फाइनली आपने जो है हैंड ओवर कर दिया है, क्या क्या चेंजेस हैं? चेंजेस देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि हमने अपना पहला ड्राफ्ट 8 जुलाई 2021 को अपनी वेबसाइट पर डाला था और उसमें हमें 8,500 से ज़्यादा सजेशंस मिले और वो सजेशंस हमें न केवल जनसामान्य के मिले बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण के, माननीय न्यायमूर्तिगण के और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे देश से हमें इसमें सुझाव मिले। तो उन सुझावों का हमने अध्ययन किया है, उन पर चिंतन किया है और जो भी उनकी संवैधानिकता हमने देखी है, वो जो भी चीज़ें हम कर सकते थे उसमें हमने शामिल किया है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि पहले हमने ये रखा था कि जो BPL परिवार है और एक बच्चे तक अपना परिवार सीमित रखता है उसको 80,000 या 1,00,000 रुपया एक मुश्त सहायता देने की बात कही थी। तो इसमें लोगों का सजेशन ये था कि ये सभी परिवारों पर लागू होना चाहिए, तो हमने इसमें से BPL शब्द को हटा दिया है। इसके अलावा हमें ये सुझाव भी प्राप्त हुआ था कि जो हमने दिव्यांग बच्चों के संबंध में व्यवस्था की है कि दिव्यांग बच्चे की गिनती बच्चे में नहीं की जाएगी, उसमें हमें सुझाव प्राप्त हुआ कि इसमें ट्रांसजेंडर बच्चे को भी शामिल किया जाए, तो हमने ट्रांसजेंडर बच्चे को भी दिव्यांग बच्चे में, हालांकि 2016 की जो केंद्र सरकार का कानून है उसमें उसकी परिभाषा में ये शामिल नहीं है, परंतु हमने इसको दिव्यांग में शामिल किया है। तीसरी बात इसमें यह है जो हमें सुझाव मिला था कि जिस संप्रदाय में एक से ज़्यादा शादी करने का पॉलीगमी का प्रचलन है उसमें चाहे एक पत्नी हो, चाहे दो पत्नी हो, चाहे तीन पत्नी हो, चाहे चार पत्नी हो, क्योंकि पुरुष एक ही रहता है इसलिए बच्चों की गिनती पुरुष के हिसाब से की जानी चाहिए, ना कि महिलाओं के हिसाब से अलग अलग, तो इसमें इसको भी हमने शामिल किया है। एक सुझाव हमें ये मिला था कि जो आशा वर्कर किसी व्यक्ति को नसबंदी के लिए प्रेरित करके, उसको समझा बुझा करके, उसको उसके गुण अवगुण बता करके अगर किसी को प्रोत्साहित करती है, तो ऐसे आशा वर्कर को भी प्रोत्साहन के रूप में कुछ मानदेय दिया जाना चाहिए, तो उस चीज़ को भी हमने शामिल किया है। और बहुत सी अलग अलग बातों को हमने, काफ़ी बातों को हमने रिफाइन किया है, काफ़ी ड्राफ्ट को हमने चेंजेस किए हैं। प्रोत्साहन राशि की आपने बात की, आशा वर्कर को लगभग कुछ क्या अमाउंट डिसाइड हुआ है, कोई चीज़ डिसाइड हुई नहीं? अमाउंट हम लोगों ने निर्धारित नहीं किया, क्योंकि देखिए रुपए की कीमत घटती बढ़ती रहती है, तो ये राज्य सरकार जैसा भी चाहेगी वैसा राज्य सरकार इसमें निर्णय लेगी। आपने पॉलीगैमी की बात करी, यहाँ पर जैसा मैं लास्ट टाइम आपके पास आया था तब भी यही सवाल था मेरा कि बहुत एक तबका है जो इसको लेकर क्वेश्चन कर रहा था, अब आपने बिल दे दिया है, चांसेस हैं कि डिस्कशन भी होगा, मॉनसून सेशन स्टार्ट हो गया है, कैसे डील करेंगे? मैं ऐसे डील करूंगा कि जैसे दो बच्चों से ज़्यादा बच्चों ज़्यादा वालों के लिए प्रस्तावित बिल में ये व्यवस्था है कि वो पंचायत का इलेक्शन, जिला पंचायत का इलेक्शन, नगरीय निकाय का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि करीब 8 राज्यों ने इस संबंध में अपने पंचायत राज एक्ट में संशोधन करके इस तरीके की व्यवस्था पहले से कर रखी है और करीब 400-500 रिट्स को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक साथ तय करते हुए जावेद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य में 2003 में ये निर्णय दिया है और उस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि ये दो बच्चों का जो प्रतिबंध लगाया गया है ये राज्य सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 343G के अंतर्गत, भारत के संविधान के अनुसूची 11वीं अनुसूची की एंट्री और 24 और 25 के अंतर्गत राज्य सरकार को इस प्रकार का प्रतिबंध लगाने का अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि ये किसी भी प्रकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजी स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता है और ना ही अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है उसको बाधित करता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो अपने निर्णय में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमें रेस्पोंडेंट्स के अधिवक्तागण जिनसे हमने ये मांगा था कि आप हमें कोई ऐसा धार्मिक अनुदेश या धार्मिक पुस्तक दिखाइए जिसमें ये लिखा हो कि आप 4 शादी करने के लिए बाध्य हैं या आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए आपको कोई निर्देश है आपकी कुरान शरीफ में या किसी शरिया में या अन्य कहीं जगह, तो वो ऐसा कोई भी धार्मिक निर्देश दिखा पाने में असफल रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय माना है कि ये किसी भी प्रकार से आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं है और ऐसा नहीं है कि आप 4 निकाह करेंगे ही करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा ही करेंगे, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। आप अगर सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं
आप सीमित रखिए अपने पर्व, और वो नहीं लेना चाहते हैं आप जितना चाहिए उतना बढ़ाइए।